कैसे करेंगे? अब आप बताइए मुझे, मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए एक्स माइनस वन बाई एक्स से काम चलेगा या मेरा एक्स प्लस वन बाई एक्स से काम चलेगा? सर आपका किसी से भी काम चले या किसी से भी ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालोगे तभी वैल्यू पुट हो पाएगी। मैंने कहा भाई क्या करूं फिर? बोले माइनस टू करके आप यहाँ निकालो तो 2 आएगा, यानी कि ये तो हाँ। अगर ये 2 आ गया तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? टेन एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रखने पर? तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 20। अब नीचे साइन और कॉस में ही है सारा, तो मैं भी चाहूंगा कि इस टेन और कॉट को साइन और कॉस में ही बदल दूं अगर मैं बेसिक से करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया कॉस अपॉन साइन और टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। ठीक है, नीचे आ जाएगा वन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वन अपॉन साइन कॉस, ऊपर आएगा कॉस बटे वन, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो वन अपॉन साइन हो जाएगा कॉस एक। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। यदि 20 में पी प्रतिशत की वृद्धि करने पर समान परिणाम मिलता है जो कि 60 में पी परसेंट के घटाने से जो सेम मिलता है, तो 70 का पी परसेंट कितना होगा? क्या क्वेश्चन है सर, मजा आ गया। मैं आपसे सिंपल कहना चाहता हूं कि यार ये क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डराया गया है। यार कहा गया है कि 20 में आप पी परसेंट की वृद्धि कर रहे हो, यानी कि 100 प्लस पी बटे 100 ही तो होगा, और वही आपका बराबर है 60 में पी परसेंट की कमी के। ओहो, यानी कि यहां से जब हम सर सॉल्व कर रहे हैं तो यहां हम लिख सकते हैं 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस पी 3/1। एग्जैक्टली लिख सकते हो, आपको योगांतर अनुपात आता है तो ठीक है, नहीं तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना कोई बोझ नहीं आ रहा है हमारे ऊपर। माइनस का 3p, तो 4p बराबर कितना आ गया 200, और p बराबर कितना आ गया 550। अगर p बराबर 50% आ चुका है, क्योंकि परसेंटेज में है पहले ही, तो 70 का 50% कितना हो जाएगा 35। मजा आ गया। दिए गए वर्षों में गेहूं के कुल उत्पादन का तिलहन के कुल उत्पादन से अनुपात क्या था? निकालते हैं। तो दिए गए वर्षों में गेहूं को हम जोड़ेंगे तो गेहूं कितना आ रहा है? 8 और 5 13 का 3, और 2 5 5, और क्या कहते हैं अपने पास, तो कैसे 8 और 5 13 और 2 15, 15 और 8 23, 23 और 7 अपना 0 जाएगा, 23 और 7 अपने पास हो जाएगा 30, 30 का 3, 5 और 4 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 7 27, 27 का 2, 6 और 5 11, और 6 17 और 7 24 और 8 35, 24 और 8 32, 3270 मेरे पास यहां पर आ गया, दिमाग भी चल गया, 3270 भी आ गया और दिमाग भी चल गया। बोले कैसे चल गया भाई, इतना तो आता ही है यार अपन को कि भाई यहां पर हम 0 से 0 काट देंगे तो 327 वाला मैटर बनेगा। यहां मेरे को एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, और इसकी आश्वस्त मैं तब हो जाऊंगा जब मैं तिलहन को भी जोड़ लेता हूँ। 6 और 4 10 0, 8 और 5 13 और 7 0, उसमें भी 0 ही आ रहा है, तब तो 100% यही होगा। एक संख्या भाजक द्वारा विभाजित करने पर 24 शेषफल छोड़ती है, जब मूल संख्या की दुगनी संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो 11 शेषफल आता है, तो भाजक का मान बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि अगर डबल कर रहे हैं तो आ रहा है, तो भाजक क्या होगा सर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी। देखो क्या तरीका होता है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को फॉलो करना है। जब कभी भी आपको संख्या को दुगना कर दिया जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि शेषफल भी दुगना हो जाएगा? हाँ या ना? यस। तो जो शेषफल दुगना हो जाए उसमें से ये भागफल घटा दो बस, क्योंकि जो ये भागफल घटेगा वही उसके भाजक के बराबर ही होगा, तभी वो डिवाइड हो सकता है, अन्यथा होगा भी नहीं डिवाइड। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया? 37। क्या सर ये हर क्वेश्चन में काम आएगा? इस तरह के सभी प्रश्नों में यही कंसेप्ट लगता है। सर डिटेल में बताइए, ये तो हो गया इसका 5 सेकंड मेथड, जो वाकई में बच्चा पेपर में करेगा इस मेथड से, क्योंकि यही एक तरीका है करने का। अब सर डिटेल में क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। चलिए
अब डिटेल में उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, वो चर्चा मैं करूंगा आपसे। आइए मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई भाजक द्वारा आप कोई संख्या को मैंने एन मान लिया और मान के चलिए मैंने उसको ए से डिवाइड कर दिया और मान लीजिए एक्स बार भाग चला गया और 24 शेषफल आ गया, तो चलो एक इक्वेशन बना के बताओ। तो सर वो संख्या हो जाएगी ए एक्स प्लस 24, राइट। चलिए है ना, अब जिस जो लोग बेसिक को नहीं समझ पाएंगे वो उसी से संतुष्ट रहे, ठीक है, और बेसिक जो समझा रहा हूं उनके लिए समझा रहा हूं जो सीखना चाहते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आइए अगर मैं आगे बात करता हूं कि बोला जा रहा है कि यार इसको दुगना करो, अब मैंने कहा भाई इसको दुगना कर दूंगा तो मेरा मामला ये हो जाएगा भाई 2n हो जाएगा और ये हो जाएगा 2ax प्लस 48, बोलो हाँ या ना। गलत थोड़ी है अपन, यार अपन तो सॉल्व कर रहे हैं, अपनी क्या गलती है इसमें, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अगर आप उसे सेम डिवाइजर, डिवाइजर वही है कौन सा ए, अगर मैं इसको ए से डिवाइड करता हूं फिर ए से डिवाइड करता हूं, ए से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है गुरु जी, ये बात तो आपके हमें समझ में आ गई। अब आपको ये पता है कि ये हिस्सा तो कट जाएगा ए से ए तक, अब भाजक का मान क्या हो सकता है कि भाई रिमाइंडर 11 बचे, तो आप मुझे बताइए कि यहां मैं ऐसा क्या रखूं, 37 रखूंगा तभी तो 11 बचेगा, क्या बात है सर, गजब, ये बेसिक होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाई के किस मान के लिए पूर्ण वर्ग होगा, हम जानते हैं कोई भी इक्वेशन अगर पूर्ण वर्ग होगी तो ए स्क्वायर 2ab, मतलब 2ab प्लस बी स्क्वायर, एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूं कि ये ही तो मेरा इसके बराबर है, यस, तो 2xb बराबर 1/24, 1/12x, x से x कट जाएगा तो जो b है यानी कि जो y के बराबर है वो 1/24 आ जाएगा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, तो आपसे पूछा गया कि वाई का क्या मान हो, केवल वाई पूछा गया है तो आपका 1/24 ही सही होगा, ठीक है सर। 2xb कहां से आया, 2xb कहां से आया ऐसे पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ भाई किसी भी संख्या का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर क्या होता है, यही तो बुद्धि लगाने वाली बात है ना डियर, तभी तो तुम वहां हो अभी और लोग कहां निकल गए, है ना। यहाँ 2xy फॉर्मूले में आता है जो कि मतलब ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तभी हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये हमारे सामने इसको कंपेयर कर गया, ये हमारे सामने इसको कंपेयर कर गया, तो इसको इससे कंपेयर कराना है तो y कितना आएगा, 2xy बराबर 1/12x, x से x कट गया तो y बराबर 1/24,